हेलो एवरीवान वेलकम टू द क्लास सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइफ प्रोसेसेस जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव प्रकम वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में बट इस वीडियो में आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ सो लेट स्टार्ट सो जैसे कि मैंने कहा हम लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं अब लाइफ प्रोसेस को आप सिंपली आप अगर नेम पर भी ध्यान दो तो विच मीन्स की द प्रोसेस विच आर इजेंशियल विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर आर लाइफ विच मीन्स की जो प्रोसेसिस और जो भी प्रक्रियाएँ जो हैं जो हमारे लाइफ के लिए हमारे सर्वाइवल के लिए और वी कैन से सर्वाइवल ऑफ एन ह्यूमन बींग किसी भी एक लिविंग बींग के सर्वाइवल के लिए उसको जीवित रहने के लिए जो प्रक्रियाएँ जो प्रोसेसेज इंपॉर्टेंट हैं वो सारे लाइफ प्रोसेसेज के अंडर में आते हैं और इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं जैव प्रकम सो यू कैन रिलेट प्रकम मीन्स प्रक्रियाएँ और द प्रोसेस वो प्रकम वो प्रक्रियाएँ जो कि एक जीवित लिविंग बींग जो आप बोलते हो लिविंग बींग के लिए जीवन उसके जीवन के लिए जरूरी है महत्वपूर्ण है तो ये सारी प्रक्रियाएं अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे एंड जितने भी ये लाइफ प्रोसेस हैं जितने भी ये प्रक्रियाएं हैं ये अपन मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर क्लासिफाई करके अपन पढ़ेंगे ओके सो फर्स्ट लेट स्टार्ट विद द प्लांट्स प्लांट्स के अंदर अगर आप मैं आपको इंट्रो दूँ एक हल्का सा तो जैसे कि लेट्स फॉर एग्जाम्पल टेक दिस प्लांट सो दिस प्लांट अब अगर आप प्लांट्स में कंसिडर करो कि ऐसे कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं तो सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस आपके माइंड में आएगा मोस्ट कॉमनली वो है फूड इनकी ग्रोथ के लिए कि ये है कैसे लाइफ इनका मेन सोर्स क्या है एनर्जी का जिससे कि ये जीवित हैं इनके अंदर लाइफ है सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस वी कैन कंसिडर इज फोटोसिंथेसिस जिससे कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सो फोटोसिंथेसिस इज द मेकेनिज्म इज द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स प्रिपेयर देअर ओन फूड हम अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं अब वो कैसे करते हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म कुछ ना कुछ ऐसे यू कैन से कुछ ऐसा मेकेनिज्म कुछ प्रोसेस या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जिससे कि अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं सो so, हम उसके बारे में देखेंगे इसमें अंदर मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ अभी तो तो प्लांट्स के अंदर मेनली जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ सनलाइट सनलाइट जो सन से मिलता है सबको प्लांट्स भी सनलाइट सन sun से लेते हैं द नेक्स्ट थिंग इज सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को एटमोसफेयर से मिलता है दैट इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज वाटर अब वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट्स को वाटर प्लांट्स रूट से लेते हैं रूट से एब्जॉर्व करके वाटर मिलता है उनको कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं एंड सनलाइट फ्रॉम द सन इन तीनों को यूज़ करके जो प्लांट्स की जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट एक केमिकल प्रेजेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल क्लोरोफिल को यूज करके जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं एंड दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस तो जैसे कि हमने अभी देखा प्लांट्स अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं उस मैकेनिज्म को कहते हैं फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश श्लेषण कहा जाता है ये वो प्रोसेस है जिससे अपना जैसे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए तीन एलिमेंट की जरूरत होती है सो लेट सी वन मोर थिंग मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली थी सो दिस इज सा प्यारा सा ट्री ठीक है तो अब जो तीन एलिमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट है फोटो के लिए वो कौन कौन से है फर्स्ट इज सनलाइट जो कि सन से मिलेगा ठीक है सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि मैंने बताया नेचर में एटमोसफेयर नेचुरली प्रेजेंट होता है तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है नेचर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं ठीक है नेचर से ऑप्टेन करते हैं एंड द थर्ड एलिमेंट इज वाटर वाटर जो है प्लांट्स अपने रूट्स से लेते हैं ठीक है जो पेड़ की जो जड़ होती है वो वाटर को जमीन से एब्जॉर्ब कर लेती है एंड वो वाटर फिर लीव्स तक पहुंचाया जाता है अब लीव तक ये वाटर पहुंच गया ठीक है एंड ये छोटी सी लीव अब जो है लीव जो है फूड प्रिपेयर करेगी कैसे क्लोरोफिल की हेल्प से बाकी और इसका प्रोसेस जितना जैसे होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे बट जो लीव ने जो फूड प्रिपेयर किया ना वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग नाउ कि जो फूड लीव्स ने प्रिपेयर किया है अब ऐसा तो है नहीं कि जो लीव ने फूड प्रिपेयर कर लिया वो अपने पास रख लेगी ऐसा नहीं होता क्योंकि तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो ओवरऑल ग्रोथ होती है सिर्फ लीफ ग्रो नहीं करेगी या फिर सिर्फ स्टेम ग्रो नहीं करेगा पूरा प्लांट ग्रोथ करता है ठीक है उसका जो स्टेम है वो भी ग्रो करेगा जो लीफ है वो भी ग्रो करेगी उसमें फ्लावर्स भी ग्रो करेंगे फ्रूट्स भी ग्रो करेंगे तो ये सारा पूरा जो एक पार्ट होता है वो ग्रो करते हैं अब उसके लिए हर पार्ट को फूड की जरूरत है ठीक है तो अब ये जो फूड यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है वो ऊपर कैसे पहुंचाया जाता है लीव्स ऊपर वाली स्टेम से कैसे पहुंचाया जाता है एंड नीचे जो इसका जो स्टेम होता है ट्री का वहां तक तो कैसे पहुंचाया जाता है क्योंकि फूड को तो हर पार्ट में पहुंचने की जरूरत है तो ये जो एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस की वो पूरे जो पार्ट्स है प्लांट के उसमें कैसे पहुंचाया जाता है ये भी अपन आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे ठीक है तो ये था मेन प्लांट्स को लेकर मैंने आपको इंट्रो दिया एंड नाउ कमिंग टू द एनिमल्स अब एक बार शायद आपको पता हो नहीं पता हो बट ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स में कंसिडर किया जाता है एंड इफ यू नो ह्यूमन बींग्स का जो अपना जो जेनरिक नेम है एनिमल्स ओके अब एनिमल्स के अंदर जो कुछ ऐसे जो लाइफ प्रोसेस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें से जो कुछ प्रोसेस हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी जैसे अपन ने देखा प्लांट्स है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बट एनिमल्स जो हैं अपन जो ह्यूमन बींग्स हैं हम अपना फूड फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हमें किसी ना किसी एक आउटर सोर्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने फूड के लिए सो so, अब जैसे कि आपने फूड लिया फूड एंड टेक किया अब वो फूड खाने के बाद फूड जो होता है वो अलग अलग फॉर्म्स में होता है ठीक है अब वो फूड कैसे ब्रेक डाउन होता है बॉडी में उस फूड को ब्रेक डाउन करके क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं पोषण तत्व जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे बनाए जाते हैं और कैसे अपने हमारी बॉडी में यूज आते हैं ये सब जो है ये अपन पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम के अंदर ठीक है डाइजेशन सिस्टम के अंदर जिसको बोला जाता है पाचन तंत्र ठीक है और डाइजेशन सिस्टम के अंदर जो मेन जो अपना बॉडी पार्ट जो काम करता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन तो इन सब का क्या फंक्शनिंग होती है क्या क्या यूज होता है कैसे फंक्शन करते हैं ये ये सब अपना ये पूरा जो में ये अपन पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम के अंदर ठीक है अब अपन ने फूड एंड कर लिया फूड को ब्रेक डाउन कर दिया बट अब जैसे कि प्लांट्स में अपन ने देखा कि लीव्स को स्टेम्स को फ्लावर्स को सब चीज हर पार्ट को फूड की जरूरत होती है वैसे ही अपनी बॉडी में भी अपने हर बॉडी पार्ट को फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर बॉडी पार्ट को फूड की जरूरत होती है फिर तो चाहे आप टॉप हेयर्स की बात करो अपने नेल्स की बात करो चाहे बॉटम पूरे टो तो की बात करो हर बॉडी पार्ट को फूड की जरूरत होती है तो अपने शरीर में जो है वो पूरा फूड ऊपर से लेके नीचे तक फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉडी के हर एक पार्ट को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है कैसे डिलीवर किया जाता है ये जो मैकेनिज्म है ये अपन पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर ठीक है जिसको बोला जाता है परिवहन तंत्र ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंसिडर की मान लो जैसे आपने कुछ ऑर्डर किया है ठीक है अब वो आपने ऑर्डर तो कर दिया लेकिन वो आपको डिलीवर कब तक होगा डिलीवर कैसे होगा मतलब कितना टाइम लग रहा है उसको डिलीवर करने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अपन को ध्यान देने पड़ते हैं सो ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी थिंग एंड कंसर्डिंग टू द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में वो न्यूट्रिय जो भी सप्लाई uh, जिसकी भी होनी चाहिए वो सारे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ये सारी चीज़ें अपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर पड़ते हैं ठीक है अब खाना खा लिया वो ब्रेक डाउन हो गया ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है अपनी बॉडी में अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक मैकेनिज्म uh, है ह्यूमन बॉडी का या फिर हर लिविंग बींग का जो आप देखोगे वो है रेस्पिरेशन दैट इज सांस लेना एंड यू कैन मतलब यू कैन यू कैन ऑल्सो थिंक कि मतलब अगर आपको डिफ्रेंशिएट um, करना हो कि कोई लिविंग है या डेड हो चुका है मतलब कि जीवित है या मृत है आप उसको देखने में जो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आएगी दैट वुड भी कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है वो फर्स्ट जो एक फिनमुना होता है जो अपने माइंड में आता है अगर अपन किसी को चेक करना चाहते हैं कि वो अभी भी मतलब लाइफ है लाइफ है उसमें या फिर डेड हो चुका है वो दैट इज रेस्पिरेशन तो अब रेस्पिरेशन में क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है जब अपन ब्रीद इन करते हैं सांस अंदर लेते हैं तब क्या होता है बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं ब्रीद आउट करते हैं तब क्या होता है तो ये सारी जो चीजें हैं ये अपन पढ़ते हैं किसके अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर ठीक है श्वसन तंत्र इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एंड रेस्पिरेशन सिस्टम है जैसे कि अगर आपको पता हो मेन जो बॉडी पार्ट अपना काम करता है दैट इज लंग्स फेफड़े फेफड़ों की फंक्शनिंग कैसे होती है ये सब अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम सिस्टम के अंदर एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन अपन ने फूड खाया अब ये तो कॉमन सी बात है कि अपन ने फूड खाया न्यूट्रिएंट्स जो थे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे वो बॉडी एब्सॉर्ब कर लेती है एनर्जी मिल जाती है उसको बट उनमें कुछ ना कुछ ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट्स भी अपनी बॉडी में बनाया जाता है जो कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर आर बॉडी जिसको रिमूव करना बॉडी से इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके अगर वो जो खराब वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो खराब चीजें हैं अगर वो आपने अपनी बॉडी के अंदर रखी है तो आपके जो अच्छे बॉडी पार्ट्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं सो एक्सक्रीशन सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इन इन आर बॉडी इन एनी लिविंग बींग यू कैन सेव सो एक्सक्रीशन सिस्टम में अब जितना भी जो वेस्ट होता है जो बॉडी का उसको कैसे बॉडी से रिमूव करते हैं उसमें कैसे प्रोसेस फॉलो होता है ये सब अपन पढ़ेंगे एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर एंड एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर जो मेन जो बॉडी पार्ट फंक्शन करता है दैट इज किडनी किडनी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है और कैसे वो फंक्शन होता है क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होते हैं उसके लिए और कैसे ध्यान रखना चाहिए ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर दैट इज उत्सर्जन तंत्र ठीक है तो ये सारे लाइफ प्रोसेस हैं इनके बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रो दिया है तो अब आगे देखेंगे डिटेल में तब आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा और अभी देखो मेन बात ये है कि जैसे आप आगे प्रिपेयर करते हो आगे ग्रेजुएशन के लिए ठीक है डॉक्टर के लिए या कुछ आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सो तो वन थिंग यू नीड टू तो नो इज कि आपको जितनी भी जो बायो की टर्म्स है ये आपको इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी एट द एंड वी हैव टू स्विच टू द इंग्लिश ठीक है मैं आपको इंग्लिश एंड हिंदी में समझाने वाली हूं ताकि आपको ये पता चले कि इंग्लिश में जो चीज है क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको हिंदी में पता है कि वो क्या होता है बट यू डोंट नो कि उसका इंग्लिश नेम क्या है तो अगर वो इंग्लिश नेम आगे और आपको नहीं पता उसको हिंदी में क्या बोलते हैं इवन तो आपको पता है कि वो क्या फंक्शन क्या है सिस्टम क्या है बट आपको वो लिंक नहीं पता तो आप उसको नहीं समझ पाओगे आप उसको बता नहीं सकते तो उसके लिए उसकी हेल्प के लिए मैं आपको इंग्लिश में तो बताऊंगी ही टर्म्स बट उनको हिंदी में क्या कहा जाता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी साथ में बट इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश की जो टर्म्स है उन पर भी फोकस करना पड़ेगा क्योंकि एट द एंड आपको जो काम आने वाली है जिनमें आपको काम करना है वो इंग्लिश टर्म्स ही होने वाली है so, सो पे अटेंशन टू दैट इस पर आप ध्यान रखिए एंड आगे आने वाली क्लासेस में हम मिलेंगे अच्छे से और पढ़ाई करेंगे सो थैंक यू सो मच